नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल की कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछे गए एक प्रश्न के बारे में जानेंगे। आप देखिए कि ये प्रश्न जो है वो जनजाति और उनकी अवस्थिति के बारे में है। जनजाति क्या होती है? देखिए, हमारा संविधान जो लिखा गया है वो उसमें 22 भाग हैं और उसके आखिर में 12 शेड्यूल हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। उसी अनुसूची 5 में, यानी कि शेड्यूल 5 में, कुछ ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। कुछ क्या, भारत में पाई जाने वाली लगभग हर ट्राइब्स के बारे में उसमें बताया गया है और वो कहाँ पाई जाती हैं, उनकी अवस्थिति यानी उनकी किस एरिया में पाई जाती हैं उसके बारे में बताया गया है। अतः इन जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। चूँकि शेड्यूल में इनके बारे में है, इन ट्राइब्स के बारे में, तो इनको शेड्यूल ट्राइब कहते हैं और जहाँ पाई जाती है इनकी अवस्थिति क्या है उसको शेड्यूल एरिया कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जो ये शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, और भारत में 600 से ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब्स हैं और उनके बारे में, सबके बारे में याद रखना, उनका नाम याद रखना और वो कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ इतना ही याद रखना बहुत ही कठिन काम है। तो आप इसके लिए एक तरीका ये है कि आप देखिए कि विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं उसमें किन किन ट्राइब्स के बारे में पूछा गया, कौन इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको ही तैयार करेंगे। तो आप पाएंगे कि 25-30 ट्राइब्स के बारे में अगर आप अच्छे से जान जाते हैं, मुख्य रूप से उनकी क्या अवस्थिति है, वो कहाँ पाए जाते हैं, उनका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है और इन सब बातों को, तो आप आसानी से एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में भी 4 ट्राइब्स का नाम दिया गया हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इस बार परीक्षा में पूछे गए, हो सकता है आगामी परीक्षाओं में भी इसमें से किसी न किसी के बारे में पूछा जाए। ये ट्राइब्स हैं अंगामी, बीरहोर, खश, टोडा। देखिए, जो इन ट्राइब्स के बारे में एक बात तो ये जान लीजिए कि ये जो अवस्थिति है नागालैंड या बीरहोर का झारखंड, तो ऐसा नहीं है कि बीरहोर झारखंड में अवस्थिति दिया हुआ तो ये बिहार में नहीं हो सकते या मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाएंगे। आज के डेट में ट्रांसपोर्ट का या ट्रांसपोर्टेशन का इतना विकास हो गया है कि ये लोग भी, चूँकि ये घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, हरदम जगह बदलते रहते हैं, जहाँ उनको अगर समस्या होती है, जहाँ मूल रूप से रह रहे हैं, तो वहाँ से अपनी जगह को बदल करके इधर उधर चले जाते हैं, तो फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि मुख्य रूप से ये देखा जाए कि हिस्टोरिकली ये कहाँ मुख्य रूप से पाए जाते थे या आज भी उनका कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसी को हम अवस्थिति मानेंगे। ठीक है, क्योंकि अवस्थिति में किसी जिले का नाम न देकर के यहाँ प्रदेश का नाम दिया गया है तो ये और आसान हो जाता है प्रश्न। जिले का नाम से थोड़ी सी और कठिनाई होती है क्योंकि अगल बगल के जिलों में भी उनकी संख्या हो सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चूँकि ये अवस्थिति में बहुत आसान प्रश्न अगर देखा जाए तो इस मामले में, कि चूँकि अवस्थिति में राज्यों का नाम दिया गया तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि ये इस जनजाति इस राज्य से संबंधित है कि नहीं। देखिए, जो अंगामी जनजाति है, अंगामी जनजाति तो नागालैंड में पाई जाती है, एकदम बिल्कुल सही है, और इनकी मातृभाषा को भी इन्हीं के नाम पे अंगामी कहते हैं। और ये देखा जाए तो मुख्य रूप से नागालैंड की जो राजधानी है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और कोहिमा के पास में ही एक जिला है दीमापुर। तो ये कोहिमा और दीमापुर में ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। वैसे भी इनकी पूरी संख्या अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से कम ही हैं, तो इन 1.5 लाख में भी ज़्यादा मात्रा में इन्हीं 2 जिलों में, कोहिमा और दीमापुर में इनकी संख्या है। और एक और चीज़ है जो आप शेड्यूल ट्राइब के बारे में जनरल रूप से मान सकते हैं कि चूँकि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं है, तो 20वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश पे, तो क्रिश्चियनिटी का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। बहुत सारे जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका जो धर्म है उन कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन गए। वैसे ही अंगामी जो नॉर्थ ईस्ट में, देखिए क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा फैला है और स्पेशली शेड्यूल ट्राइब्स में, और अंगामी जनजाति के 98% से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और तो ये तो बिल्कुल सही है, अंगामी ये है नागालैंड में। ठीक, ये देखिए अंगामी है और ये देख करके लग जा रहा है कि हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके, तो ये अंगामी लोग हैं। और अब आगे बात करते हैं, अंगामी हो गया नागालैंड, बीरहोर की बात करते हैं। देखिए, बीरहोर नाम से
पहले अगर पूछा जाता ये प्रश्न 21वीं सदी से पहले, या मान लीजिए 90s के दशक में जब ये पेपर में आता था ये प्रश्न बीरहोर, तो इसको बच्चे आसानी से याद रख लेते थे कि बीरहोर मतलब बिहार, बिहार में ये बीरहोर पाए जाते हैं। लेकिन बाद में बिहार से एक राज्य कट गया झारखंड, और आप जानते हैं कि जो भी छोटा नागपुर का पठारी भाग था, जो जंगल वाला हिस्सा था जहाँ जनजाति समूह ज़्यादा मात्रा में थे, वो सारे झारखंड, बिहार के झारखंड वाले रीजन में थे, जो अलग राज्य बन गया। तो बीरहोर भी झारखंड में, बीरहोर का मतलब ही होता है, बीर का मतलब होता है जंगल, होर का मतलब होता है लोग, यानी जंगल में रहने वाले लोग। तो ये झारखंड वाले रीजन में बीरहोर पाया जाता है, मुख्य रूप से जो झारखंड की राजधानी रांची है, रांची में इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और उसके आसपास के ज़िलों में अगर देखा जाए तो हजारीबाग में भी ये काफ़ी संख्या में, और देखा जाए तो इनकी कुल संख्या ही अब 10,000 के करीब रह गई है। तो अब बड़ी स्थिति ख़राब है। और देखा ये बीरहोर को आप देखिए, इनकी आर्थिक स्थिति इनको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उनका खाने की प्लेट देखिए, मुख्य रूप से उस रीजन में देखिए चावल उगाया जाता है, और ये इनका मुख्य भोजन अगर देखा जाए तो खाने को तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन मुख्य भोजन इनका है राइस, ठीक, वो भी इनके प्लेट में नहीं है। और ये देखिए ये उनका घर है, घर ये कैसे बनाते हैं, कुछ बांस लगा दिया, उसमें मिट्टी लगा दी और घास फूस इकट्ठा करके, घर को ही देख के इनकी आर्थिक स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे इन्होंने घर बनाया। और इस घर को ये लोग कुंभा कहते हैं, KUMBHA, कुंभा। और इनका जो फूड है वो राइस है मुख्य रूप से, क्योंकि ये जंगलों में रहते हैं, वहाँ महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो महुआ एक वृक्ष होता है, उसके फूल को खाया जाता है, तो महुआ इनका अगर जंगली भोजन के रूप में देखा जाए तो महुआ को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ये हो गए बीरहोर लोग, और ये पाए जाते हैं झारखंड के रांची में। तो ये अंगामी नागालैंड, ये बिल्कुल सही है अवस्थिति। और ये जो बीरहोर है झारखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए बात करते हैं खस और टोडा की। खस के HAS, खस, देखिए ये है खस पीपल। खस पीपल का बहुत पहले का एक फ़ोटो लिया गया है, और उनके पीछे आप देख सकते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और जो खस शब्द है, एक तो हमारी धार्मिक मान्यता है कि कश्मीर को ऋषि कश्यप के नाम पे उसका नाम कश्मीर पड़ा, लेकिन कहीं कहीं कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो कश्मीर है वो एक्चुअली जो एक खस है, खाश्मीर, इस शब्द से मिल करके आया। यानी खस पीपल पहले कश्मीर वाले रीजन में रहते थे, फिर उसके अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, नेपाल का पश्चिमी भाग हो गया, यानी उस वाले रीजन में नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तरी भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल के पश्चिमी भाग में, इन सारे हिस्सों में ये जनजाति रहती थी। आगे चलकर ये कई समुदायों में बट गए, कोई क्षेत्रीय हो गया, कोई ठकुरी, सन्यासी, कामी, ऐसे बहुत सारे समुदायों में बट गए। लेकिन इनका जो मुख्य रहने की जो इनकी स्थिति है वो कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल और पश्चिमी नेपाल जो उत्तराखंड से लगा हुआ है। तो ये तो इनकी स्थिति हो गई। और अब देखिए ये टोडा जनजाति जो है, टोडा जनजाति जो है वो आप देख सकते हैं कि ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, तो नीलगिरी की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो जब पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची होती हैं तो उसमें कुछ हिस्सा एक पहाड़ों में एक पठार टाइप का बन जाता है, और ये जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो अपने जैव विविधता के लिए जाना जाता है, काफ़ी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे यहाँ पाए जाते हैं। तो इन्हीं नीलगिरी के पहाड़ों पे जो पठारी भाग है उस पे ये जनजाति टोडा जनजाति रहती है। और ये जो टोडा जनजाति, आप देखिए इनका जो घर है बिल्कुल ये इस शेप का बनाते हैं, ये परवलय आकार का है, और इसमें देखिए जो दरवाज़ा है कितना छोटा रखते हैं। यहाँ आपको रेंग के जाना पड़ेगा,
ये ऐसा इसलिए करते हैं कि चूंकि इस रीजन में बहुत तरह के जंगली जानवर रहते हैं और अपने आप को सुरक्षा देने के लिए इस तरह के दरवाजे बनाते हैं, कोई जंगली जानवर इनके घर में आसानी से प्रवेश न कर पाए। और ये देखिए जो ये इनकी जो झोपड़ी है टोडा लोगों की, ये ऊँटी, ऊँटी का नाम आपने सुना होगा, ये तमिलनाडु में ही एक हिल स्टेशन है जो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है और लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। तो ऊँटी में ये टोडा झोपड़ी है जिसका फोटो आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा का पूरा जो टोडा का जो आवासीय टोडा जनजाति का जो आवासीय इलाका है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो आप देख सकते हैं कि अंगामी नागालैंड में, बिल्कुल सही है, बीरहोर झारखंड में, ये भी बिल्कुल सही है, खश ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश तो भारत का पूर्वी हिस्सा है, मैंने आपको बताया कि ये कश्मीर वाले या कश्मीर से आसपास के जो राज्य हैं उसमें खस जनजाति रहती है। इनफैक्ट खस नाम जो है कश्मीर में खाश्मीर पहले बोला जाता था, KHASHMIR, तो ये कश्मीर वाले रीजन से याद रखेंगे कि ये अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये टोडा तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में टोडा जो जनजाति होती है उसमें पॉली एंड्री बहुत कॉमन है। पॉली एंड्री मतलब कि एक ही औरत के बहुत सारे पति, जैसा आप महाभारत काल में देखते हैं कि जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की जो पत्नी थी द्रौपदी, कुछ ऐसा ही सिस्टम है। और देखा जाए तो टोडा जनजाति मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर है और ये मुख्य रूप से भैंसे पालते हैं, अच्छी नस्ल के जो ज़्यादा दूध देती हैं। और इनके हर रिचुअल्स में मिल्किंग को लेकर के और जानवरों को लेकर के बहुत सारे ये रिचुअल्स मानते हैं। और चूंकि क्या हो रहा है कि इन क्षेत्रों में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है और इनकी जो ज़मीनों को अन्य लोग कब्जा करते जा रहे हैं और इनके जो पशुओं को घास खाने के लिए जो चारागाह होना चाहिए वो चारागाह सिमटते जा रहे हैं, अतः इनके ऊपर एक बहुत खतरा मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी टोडा जो जनजाति है 1960 के दशक में इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी और इसमें भी कुछ लोग उन्होंने क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लिया था, लेकिन अब धीरे धीरे इनकी संख्या में सुधार हो रहा है क्योंकि साउथ इंडिया में हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं इम्प्रूव हो रही हैं, उनको वो फैसिलिटी मिल पा रही हैं। लेकिन ये जो पारंपरिक इनके जो रहन सहन था उसमें बहुत बदलाव आया है, स्पेशली डिफॉरेस्टेशन की वजह से, चारागाहों के कम होने से जो इनका मुख्य पेशा पशुपालन था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। तो टोडा तमिलनाडु में है, खस अरुणाचल, चूँकि इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये खस अरुणाचल प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक, और बाकी अंगामी नागालैंड, बीरहोर झारखंड और टोडा तमिलनाडु में ये सही सुमेलित हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है, धन्यवाद।